मैं भी जिस आइलैंड पे खड़ा हूँ वो मॉरिशस के सबसे ज़्यादा विजिटेड और सबसे ज़्यादा सुंदर आइलैंड्स में से एक है, जिसका नाम है इले ऊ सर्फ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा ये टूर है जिसके थ्रू मैं इस आइलैंड पे पहुंचा। गाड़ी उठा के मैं होटल से निकल पड़ा हूँ, जा रहा हूँ साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ जहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। उस आइलैंड का एक स्पीड बोट टूर है जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे जैसे दिन बीतेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा इस टूर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ये है हेलो मॉरिशस का काउंटर और मेरे साथ है वैनेसा, शी इज़ अ लवली लेडी, से हाई टू इंडिया। हेलो इंडिया। सो मैं इनको आई एम टेलिंग माई ऑडियंस दैट वेर आई बुकड एंड हाउ मच डिड आई पे। सो मैंने हेलो मॉरिशस से बुक किया ये जो ट्रिप है, टूर है, और इसके लिए मैंने पे किया लगभग 2400 रुपीज़, लगभग क्या पूरे 2400 मॉरिशियन रुपीज। पीछे ब्लू बे पब्लिक बीच की पार्किंग और इधर है ब्लू बे पब्लिक बीच, यहीं से इनकी बोट शुरू होती है जो कि हमें लेके जाएगी कुछ आइलैंड्स के ट्रिप पे। ये है ब्लू बे मरीन नेशनल पार्क का ब्लू बे बीच, क्योंकि बे है तो पानी पॉन्ड की तरह है, काफ़ी ज़्यादा साफ और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा बीच है, स्विमिंग और बेदिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि 50 मीटर के अंदर जाके आप स्विमिंग मत कीजिए, डेंजरस हो सकता है, आप उसको फॉलो कीजिए। वैसे भी यहाँ रस्सियाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है ताकि आप आगे ना जा पाएँ। और पूरे टूर के लिए मैंने पे किया 2400 मॉरिशियन रुपया, बनता है लगभग 4500 रुपये इंडियन करेंसी में, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जाना आना खाना पीना। तो मेरे हिसाब से अच्छी डील कहूँगा मैं। और इस वाले टूर की जो प्राइसेज है हर जगह मैंने चेक की, मोर ऑल इज सिमिलर ही है, 2400-2500 मॉरिशियन रुपया। मॉरिशस में दो दिन बिताया मैंने, एक चीज़ और अच्छी नोटिस की कि पार्किंग में कहीं पर भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये जो ब्लू बे बीच की पब्लिक पार्किंग है यहाँ पर भी पार्किंग फ्री है। हालांकि यहाँ पे जेट्टी है जिस पे से जा सकते हैं, लेकिन हमारी बोट वाले ने बोला कि आप आए बीच पे थोड़ा ज़रा पानी में डुबकी लगाइए ताकि आपको मज़ा आ सके, और पानी एक्चुअली काफ़ी ठंडा है, 20-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा इस पानी का। पानी में डुबकी मार के पहुंच गए हम लोग अपनी स्पीड बोट पे। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, मुश्किल से 10 लोग होंगे, गुड फॉर अस। यहाँ पे पानी का कलर इतना ज़्यादा नीला है कि लग रहा है सर्फ से धुल के निकला है, टू गुड। और अभी पीछे दो गेस्ट को इन्होंने पिकअप किया शानदारानी बीच कॉम्बर करके एक प्रॉपर्टी, वहाँ से उनसे मैं लोगों से बात कर रहा था, पता चला कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, इवन वाटर स्कीइंग एंड ऑल, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो जितनी भी 3-5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, तो आप प्राइस जो पे करते हो मेरे ख्याल से वर्थ है। ये है इस टूर का पहला स्टॉप ब्लू बे मरीन नेशनल पार्क, जिनको स्विमिंग आती है वो जा रहे हैं स्नॉकलिंग करने। यहाँ पे बहुत ही रिच मरीन लाइफ है, बाहर से भी काफ़ी सारी मछलियाँ दिख रही हैं, अगर आप अंदर जाके देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पानी के ऊपर से भी आप काफ़ी सारा मरीन लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे बोट रुकती है लगभग 30 मिनट्स के लिए स्नॉकलिंग करने के लिए। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इस जगह की सुंदरता को बयां करने की, कैमरे पे दिखेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसा लगता है स्विमिंग पूल का पानी है, और मरीन लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने भी अपना इंस्टा 360 डुबाया था पानी के अंदर, आप लोगों ने शॉट्स देखे होंगे, उनको समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा कलरफुल फिशेज हैं यहाँ पे। और यहाँ से पीछे आइलैंड के व्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं, वो उधर पीछे उस साइड में एयरपोर्ट है और पूरा माउंटेन रेंज। अभी स्नॉकलिंग वाले पॉइंट से निकले, वहाँ से निकलने के बाद हमें ब्रीफिंग दी कि क्या क्या है आज के डे का प्लान, और साथ ही साथ सेफ्टी ब्रीफिंग भी दी, बताया कि जैकेट कहाँ पर है, लाइफ जैकेट अभी पहनने के लिए तो नहीं बोला पर अगर ज़रूरत हो तो पहन सकते हैं, और सभी लोगों के लिए अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मैंने लिए कोका कोला बियर रम विस्की सब कुछ इंक्लूडेड है आज के इस पैकेज में।
yo te voy a enseñar, mami, esto es sencillo. ये ब्रिटिश लोगों की शिपरेक है 1902 में यहाँ पर रेक हुई थी. इसमें चारकोल लेकर आते थे अफ्रीका से. और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेव सारी काफ़ी बड़ी बड़ी क्रैश हो जा रही है, क्योंकि इधर कोरल्स हैं वहीं पे क्रैश होते हैं, उसके बाद वो लगून क्रिएट हो जाता है. एक बहादुर भाई साहब यहाँ पे कायक लेके भी आए हुए हैं इतने अंदर सागर के. Y si quieres saber dónde estoy a hacer, yo te doy la answer. Yo le llego con ti lo pretty boy, pero con un flow de gangster. Esto es un baile de pecado, pero me siento bendecido. Que nadie no grabe el contenido prohibido. Si te lo quiero dar, baby, me dice lo recibo. Ponte a aprender que todo esto está. ये हमारे इस टूर का पहला ऑफिशियल स्टॉप, ऑफिशियल मेरे लिए ऑफिशियल हो गया क्योंकि मैं पहली बार बोट से उतरा. और ये है लाइट हाउस आइलैंड. यहाँ पे कुछ आधे घंटे का स्टॉप है. और ये आइलैंड जो है वो ईस्ट कोस्ट के पास में है, काफ़ी रॉकी सा आइलैंड है. लाइट हाउस में आप ऊपर जा सकते हैं, पर जो हमारे बोट के कैप्टन ने बोला कि मत जाइएगा, सीढ़ियाँ बहुत पुरानी और बहुत कमज़ोर. चप्पल पहन के चढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है यार ऐसे रॉकी पैचेस में. कुछ लोग अपने टेंट वगैरह ले गए हैं पिकनिक करने के लिए. चलिए आइलैंड पे चल के एक्सप्लोर किया जाए क्या दिखता है. इस आइलैंड पे थोड़ा सा चढ़ेंगे जो लाइट हाउस वाला है, बहुत ही शानदार व्यूज़ है. पीछे पूरा ईस्ट कोस्ट दिखाई देता है मॉरिशस का. और ये इधर वेव्स क्रैश हो रही है, इसके बाद लगून क्रिएट हो रहा है. बड़ी अद्भुत सी फीलिंग है यार ये, मज़ेदार सी. यहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही हैं, यहाँ के क्रैश हो जा रही हैं, उसके आगे पूरा लगून बन जाता है. इट्स ऑसम. मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम बिता दिया इस आइलैंड पर, बुलाने के लिए आ गया भाई. आइलैंड की इतनी खासियत होती है छोटे छोटे जो होते हैं कि जिधर जाओगे व्यूज़ बदल जाएंगे. इस आइलैंड से बोट पे आने वाला मैं आखिरी आदमी था. काफ़ी इंबेरस है लोगों ने मुझे कि यहीं पे रह जाते. इतनी अच्छी जगह थी कि आने का मन ही नहीं कर रहा था. हमारी जो बोट थी स्पीड बोट इंडियन ओशन से घुस गई है ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में. ये रिवर जब ओशन में मिलती है उसी के जगह पे, जो ओशन में जहाँ पे मिलती है ये रिवर आगे जो रॉक्स के ऊपर से वाटरफॉल बनता है, इसीलिए इसका नाम है जीआरसी वाटरफॉल. आगे चल के भी देखते हैं वाटरफॉल जीआरसी. अभी यहाँ से तो दिख नहीं रहा, आई डोंट नो पानी थोड़ा कम है, आगे लेके जा रहे हैं कि नहीं. वाटरफॉल के पास में जाने के लिए लाइन लगी हुई है. हमारे आगे दो स्पीड बोट्स और हैं, उससे ज़्यादा हम लोग वाटरफॉल के पास पहुँच जाएंगे. हालांकि भी वाटर का फ्लो काफ़ी कम है, बारिशों में काफ़ी ज़्यादा होता है. यहाँ की बारिशें इंडिया की बारिशों से अलग होती हैं. फेब में जनवरी में काफ़ी बारिश होती है यहाँ पर. अभी समर्स शुरू हुए हैं और विंटर्स होते हैं अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर तक, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के नीचे. जैसे जैसे आप इक्वेटर के नीचे जाते हैं और इक्वेटर के बाद दोनों के वेदर एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं. इसी वाटरफॉल अभी और आगे जाएंगे. अभी मैं अपने कैप्टन से पूछ रहा था कि बेस्ट टाइम कौन सा है जब आप ये वाटरफॉल विजिट करें, पूरा का पूरा भरा रहा है. उन्होंने बोला मार्च से जून के बीच में सबसे पीक पे होता है ये वाटरफॉल, चारों तरफ से पानी ही पानी. तो गाइस यही है जीआरएसी वाटरफॉल, बेहतरीन एक्सपीरियंस है स्पीड बोट से आके वाटरफॉल देखने का. और आप यहाँ पे वाटरफॉल के गीले भी हो सकते हैं और फोटो भी खिंचवा सकते हैं.
काफ़ी घुमाई करके हम लोग पहुँच गए हैं इल ऊ सर, ऐसे बोलते हैं और लिखते हैं ऐसे हैं, पढ़ लीजिएगा। फ्रेंच बड़ी डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज लगती है मुझे। अभी इस आइलैंड पर लंच होता है और आप चाहें तो बीच पे स्नॉकलिंग कर सकते हैं, लेज अराउंड कर सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पड़े रहिए सागर को देखते रहिए, या फिर आप आइलैंड पे थोड़ा सा भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो कैप्टन साहब, उन्होंने बोला कि इतनी दूर में रहिएगा कि मुझे दिखाई दें आप, यहाँ टाइम दिया 1.5 घंटे का। सामने टेबल्स लगा दी गई हैं लंच के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग टेबल्स हैं। ये वाली टेबल हमारे ग्रुप के लिए है। इस पूरे टेबल पे इकलौता वेजिटेरियन मैं ही हूँ, बाकी सारे लोग नॉन वेज वाले। ये है हमारा किचन जहाँ पे पूरा खाना बन रहा है, तैयार हो रहा है, सज रहा है, और नॉन वेज वाले लोग की काफ़ी सारी तैयारियाँ हैं, काफ़ी सारे बारबेक्यू ग्रिल बना के रख रहे हैं। देखना होगा कि वेजिटेरियंस को क्या ऑप्शन मिल रहा है, वेजिटेरियंस नहीं वेजिटेरियन, मेरे जैसे वेजिटेरियन को क्या ऑप्शन मिल रहा है। काफ़ी पीसफुल सी सेटिंग है लंच के लिए, बहुत शांति है आइलैंड पे। यहाँ टेबल जो सेट किया गया फाइन डाइनिंग वाला किया गया, टेबल पे सबसे पहले सर्व किया गया गार्लिक ब्रेड और ड्रिंक्स में रखे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाइन एंड ऑफ कोर्स वाटर। नॉन वेज और कुछ चिकन एंड ग्रिल्ड चिकन एंड फिश है, सैलड, और ये मेरे लिए कुछ ग्रिल्ड सब्जियाँ एंड सैलड। सेकेंड सर्विंग में भी वही आया, इसकी वेयर पर लगा के वेजिटेबल्स ग्रिल वाले राइस और केचप मैंने मंगवाया था, और नॉन वेज में सर्व किया गया है चिकन एंड राइस। काफ़ी फीलिंग सा लंच कराया इन्होंने, 3 कोर्स लंच था, लास्ट में फूड दिया डिज़र्ट की जगह पे। खाना मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा था और नॉन वेज वालों को काफ़ी मज़ा आया। इस आइलैंड पे वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फ कोर्स भी है, 38 एकड़ में फैला हुआ 18 होल गोल्फ कोर्स। लंच के बाद हमारे कैप्टन ने टाइम दिया था कि आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेगा, जल्दी से आ जाएंगे ना तो छोड़ के चला जाऊंगा। तो चलिए उधर ही चलता हूं जहां कैप्टन बैठे हैं, नहीं तो सच में छोड़ के चले जाएंगे। वापसी में इग्रेट आइलैंड है, एक नेचर रिजर्व वहाँ पे रोका है, और यहाँ पे अंडर वाटर वर्ल्ड में काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पे पानी का कलर बहुत अलग है, जो पीछे ब्लू बे वाला था उससे काफ़ी अलग है। यहाँ ग्रीन कलर का पानी है, क्रिस्टल क्लियर हर जगह की तरह ही, और यहाँ पे कोरल्स काफ़ी सारे हैं पानी के अंदर। यहाँ पे लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे थे उसी वाइल आइलैंड पे, एक बहुत ही छोटा, दुनिया का शायद सबसे छोटा बीच होगा वहाँ पे लेके आए। आप यहाँ पे स्विम करना चाहें, स्नॉर्कल करना चाहें अगेन तो आप कर सकते हैं, नहाना चाहें सिर्फ पानी में वो भी कर सकते हैं। ये है शायद दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड, इग्रेट आइलैंड, और यहाँ पे बहुत सारी स्टार फिशेज हैं। ये देखिए यहाँ भी एक स्टार फिश बीच के किनारे मज़े ले रही है, और एक स्टार फिश यहाँ पे है हार्मलेस। काफ़ी सारी हैं डेड कोरल्स भी हैं, सी शू होता है एक, मेरे पास है भी, लेके आया हूँ लेकिन होटल में पड़ा है, यहाँ के लिए ज़रूरी था क्योंकि जहाँ पे भी कोरल जाता हूँ वहाँ पैर में काफ़ी लगता है। पर काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस, बंच ऑफ टाइनी वाइनी वाइट फिशेस डांस कर रही हैं पानी के अंदर ग्रुप में। टूर कंप्लीट करके हम लोग वापस पहुंच गए हैं ब्लू बे पब्लिक बीच के पार्किंग में। काफ़ी अच्छा दिन रहा, बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोग मॉरिशस आ रहे हैं तो ये ट्रिप डेफिनेटली कीजिएगा। अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्नॉकलिंग कर सकते हैं, मोर देन पैसा वसूल है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुंदर जगह देखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब तक मैं अगला मॉरिशस से वीडियो लेके आऊँ तब तक मॉरिशस का प्लेलिस्ट स्क्रीन के कॉर्नर पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कीजिए। मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।